हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ इंग्लिश के लेसन वन पार्ट टू के बारे में। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बैंक कंपिटेटिव एग्जाम में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वे अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश वर्ड के बारे में। तो देखिए, जैसे कि एक वर्ड है ग्रूजम। ग्रूजम मतलब होता है डरावना या भयानक। और ये फ्राइड फूल जो होते हैं, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें से एक फ्राइड फूल मेरा ऑप्शन में दिया हुआ रहता है जिसे हमें देखते ही गोला में भरना होता है। तो ग्रूजम, GRUESOME, ग्रूजम मतलब डरावना या भयानक। इसका साइन होगा फ्राइड फूल। इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट मतलब होता है अवैध या गैर कानूनी। कोई भी काम जो अन इलीगल तरीके से किया जाता है उसे गैर कानूनी काम कहते हैं और इसका साइन हो इलीगल, इलीगल होता है, इलीगल। फिर हम बात करते हैं इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब किसी भी काम को जल्दीबाजी में करते हैं, यानी मतलब हम जैसे बात करते हैं कि जल्दबाजी में, मतलब जस्ट। अब इसका साइनो होता है रस, RASH, रस। इंट्रिंसिक, आंतरिक। इंटरनल यानी किसी भी मतलब मुद्दे का या इशू का इंटरनल जांच, या कह सकते हैं या बायोप्सी टेस्ट में भी इंटरनल होता है, वही से एक वर्ड लिया गया इंट्रिंसिक, INTRINSIC। इंट्रिंसिक मतलब होता है आंतरिक। फिर है एक वर्ड जुवेनाइल, JUVENILE। जुवेनाइल मतलब युवा। इसका साइनो होता है यंगस्टर। अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब होता है कि जैसे मैन हु इज द हेड ऑफ ए कॉन्वेंट एक सेंटेंस में दिए हुए रहते हैं और चार ऑप्शनों में आपका एक एवर्ट ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। एवर्ट, ABOT, एवर्ट का मतलब होता है मठाधीश। ऐसा मतलब कोई संस्था या जिसका मतलब मालिक पुरुष हो उसे मठाधीश कहा जाता है। ऑप्शन में एवर्ट दिया हुआ रहेगा। फिर दूसरा वर्ड है एवेस, ABLES। एवेस मतलब होता है महंथिन। ऐसा मठ जिसकी मालकिन कोई औरत हो उसे महंथिन, मतलब महंथिन कहा जाता है। धार्मिक प्लेस में भी देखते हैं, पूजा पाठ करने के क्रम में अगर कोई उसका ऑनर मतलब औरत हो उसे महंथिन कहते हैं। ओमेन हु इज द हेड ऑफ ए कॉन्वेंट, अगर ओमेन हो, मैन हो तो एवर्ट, ओमेन हो तो एवेस। फिर तीसरा वर्ड है कॉन्टेम्प्रोरी, समकालिक। ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम्स एज द अनदर। फिर बात करते हैं डिप्लॉय, DEPLOY, डिप्लॉय मतलब पंक्तिबद्ध फैलना। कहीं हम देखते हैं सेना के क्रम में पंक्तिबद्ध कोई भी चीज फैला रहता है, या उस डिसिप्लिन का यूज सेना के ही कामों में किए जाते हैं। डिप्लॉय मतलब होता है पंक्तिबद्ध फैलना। टू काउज ट्रूप इट इज टू स्प्रेड आउट इन रेडनेस फॉर बैटल, युद्ध के क्रम में। अब बात करते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस जिसे प्रसन्न ना किया जा सके, प्रसन्न, प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इल्स। ये वन वर्ड्स के एक सेंटेंस दिए हुए रहेंगे जिसमें से ऑप्शन में फास्टिडियस मेरा एक वर्ड रहेगा। अब फिर आगे चलते हैं हीनस। हीनस मतलब होता है जघन्य अपराध या कोई ऐसा बड़ा क्राइम जो मतलब एक्सक्यूबल करने लायक नहीं हो, माफ करने लायक नहीं हो। विग्ड टू ए हाई डिग्री, इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे एक वर्ड देखते ही इसको हम गोला में भरते हैं। इम्पोस्टर मतलब होता है पाखंडी, मतलब पाखंडी उस टाइप की औरत को कहते हैं जो मतलब औरत या मतलब जेंट्स में से कोई भी हो सकते हैं जो कि किसी भी चीज से हेट्रेड करते हैं या मतलब दिखावे के लिए करते हैं, उसे हम पाखंडी कहते हैं। पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इल्स, ये एक सेंटेंस के रूप में दिए रहते हैं, लेकिन इम्पोस्टर को देखते हमें सही गोले में भरना होता है। फिर चलते हैं जगलर, बाजीगर। वन हु एक्सहिबिट्स ट्रिक दैट रिक्वायर्स स्किल ऑफ हैंड्स और आईज। सॉरी दोस्तों, नहीं दिखा पड़ा। वन हु एक्सहिबिट्स ट्रिक दैट रिक्वायर्स स्किल ऑफ हैंड्स और आईज। फिर लास्ट वर्ड है प्रिल्यूड, इसे कहते हैं भूमिका या प्राकथन। किसी भी बुक के फर्स्ट पृष्ठ में जो एक भूमिका रहता है, या किसी भी ड्रामा, किसी भी नाटक, या कुछ भी जैसे उस स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है उसे
भूमि का रोल अदा करना, भूमिका या प्रकथन कहते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, मतलब किसी भी ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले उसका 5 मिनट या 10 मिनट का एक रोल दिखाया जाता है, जिसे एक वर्ड से यूज किया जाता है, प्रेल्यूड, भूमिका या प्राकथन। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट सीरीज